और निनांद कह रहे हैं, शिवम जी रणजीत सिंह जब आए थे तब उन्होंने काशी को अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया, सोने के छत्र वाली जो बात उस समय कह रहे हैं। नहीं, अधिकार में लेने की जरूरत ही नहीं थी। काशी पे भूमिहारों का वो मतलब एक बार जब मुगल डिक्लाइन होने लग गए थे, उसके बाद हिंदू मराठा राइज हो गया था, उसके बाद काशी वॉज फेयरली इंडिपेंडेंट। और जैसे एक समस्या कि 500 साल बाद हिंदुओं के हाथ पैर खुले तो जल्दी जल्दी आके सारे मंदिर बनवाना शुरू कर दिए। बिंदु माधव भी बनवा दिया, विश्वनाथ भी मंदिर बनवा दिया, कृतिवासेश्वर बना दिया, यक्ष विनायक, सारे मंदिर मराठे बनवाने शुरू, राजपूत बनवाने शुरू कर दिए। तो लेने का मतलब, लेकिन जब रंजीत सिंह आए थे तो एक नक्सली पत्रकार, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी जानकारी ये थी कि लाहौर से भी बहुत सारे लोग आए थे उनके साथ, और लाहौरी टोला बसा था, तो अपने आप एक हिस्टोरिकल मोहल्ला बस गया था। तो लाहौरी टोला भी कॉरिडोर में पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, और खत्री खन्ना जो लोग रहते थे उनका जो चौकी थी मणिकर्णिका पे, जहाँ पे उनकी डेड बॉडीज को जलाया जाता था, वो भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। तो बड़ी दुख भरी दास्तां है कि क्या क्या चला गया वहां पे।